हाय, दिस इज डॉक्टर त्रिपाठी फ्रॉम ईरा मनोरोगविज्ञान केंद्र। स्कूल खुल गए हैं, सभी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है। बट कुछ पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि उनको स्कूल से उनके बच्चे के लिए कंप्लेंट्स आ रही है। उनके टीचर्स बता रहे हैं उनके बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वजह ये बताते हैं कि उनका बच्चा अत्यधिक शरारती है, वो एक जगह बैठता नहीं है, दूसरों को डिस्टर्ब करता रहता है, पेंसिल तोड़ देता है, बेंच पे चढ़ जाता है, उसका फोकस अच्छा नहीं है। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि भला इस बात के लिए मुझे साइकोलॉजिस्ट से क्यों कंसल्ट करना चाहिए। जी हाँ, इसको हम कहते हैं ADHD, यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जैसा कि नाम से पता चला है कि ध्यान कम, चंचलता ज्यादा। आज मैं इसी के विषय में आपसे बात करने जा रही हूँ। ये बच्चों की जब घर में होता है तो ज्यादातर पेरेंट्स समझ नहीं पाते, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स के बच्चे एक या दो होते हैं। जब वो अधिक शरारती होते हैं तो पेरेंट्स उनका स्वभाव समझते हैं, लेकिन जब ये बच्चे बाहर निकलते हैं तो दूसरों के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। माइल्ड में ये कभी समझ में ज्यादा नहीं आता है, जब ये मॉडरेट में जाने लग जाता है तब ये बहुत ज्यादा दिखने लग जाता है। ADHD में जब बच्चे को बहुत दिक्कत होने लग जाए, कंसंट्रेशन में, अटेंशन में, या फिर बच्चा एक्सेसिव एक्टिव हो जाए, तो इट्स कॉल्ड ADHD। ADHD तीन फॉर्म में होता है। नंबर वन में होता है अटेंशन प्लस इंपल्सिव, और दूसरा होता है हाइपर एक्टिव, और तीसरा होता है इंपल्सिव प्लस हाइपर, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन का। DSM-5 में इसके 18 क्राइटेरिया बताए गए हैं, 9 इंपल्सिव के और 9 हाइपर एक्टिव प्लस अटेंशन इनअटेंशन के। हाइपर एक्टिव के 6 क्राइटेरिया हैं और इनअटेंशन के 3 क्राइटेरिया। अब हम जानते हैं कि क्या कारण होते हैं उसके। कारण कई सारे होते हैं और अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। पहला कारण होता है न्यूरोट्रांसमीटर, यानी डोपामाइन और नॉरपारफिन की कमी के कारण भी ADHD होता है। दूसरा कारण होता है जेनेटिक, ये भी पाया जाता है। तीसरा कारण है होता है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी में जो कमियां होती है, जैसे मदर का अत्यधिक स्ट्रेस में होना, किसी नशे का सेवन करना, न्यूट्रिशन डाइट की कमी होना, या किसी बीमारी का इलाज चलना, और बर्थ हिस्ट्री का खराब होना, जैसे कि बच्चे का बर्थ क्राई एब्सेंट होना या कोई फिजिकल एलिमेंट होना, ये सारे कारण पाए जाते हैं। उसके अलावा वातावरण भी इसका कारण होता है। लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है, ADHD ठीक हो जाता है। बिल्कुल भी पेरेंट्स चिंता इस बात की ना करें कि उनका बच्चा ADHD का है तो ठीक नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स ठीक हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर बच्चा माइल्ड है तो कभी कभी विदाउट एनी मेडिकेशन ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बच्चा माइल्ड से मॉडरेट की तरफ बढ़ रहा है तो जी हाँ, मेडिकेशन की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे नंबर वन में तो मेडिसिन है स्टिमुलेंट, और इसके अलावा अधिक जानकारी आपको साइकेट्रिस्ट भी दे सकता है। इसका ट्रीटमेंट OT होता है, बच्चा अगर बहुत छोटा है तो OT यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है बच्चे की कराई जाती है। CBT कराई जाती है जब बच्चा बड़ा होता है, यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कराई जाती है, जो कि कोई साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छी तरीके से होता है। इसको अच्छे तरीके से डायग्नोज किया जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट से। सबसे अच्छी बात है तो इसका कोई सीटी स्कैन या MRI नहीं होता है, सिंपल साइकोलॉजिकल टेस्ट से इसको डायग्नोज किया जा सकता है। और कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको हेल्प कर सकती है ऐसे बच्चों के लिए। तो नंबर वन ये है कि शुगर का इंटेक कम कराएं, क्योंकि शुगर हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। तो ये बच्चे में ओवर एनर्जी होती है, जिससे और इसकी एनर्जी बढ़ेगी और बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर हो सकता है, तो इसको कम कर दें। ऐसे बच्चे ADHD के बच्चे बहुत एथलीट होते हैं, तो अगर उनकी एनर्जी बंद कराने के लिए कोई आप उनको स्पोर्ट्स दें, जैसे कि स्विमिंग है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, क्योंकि उनकी एनर्जी चैनलाइज होगी, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। टेट्रा पैक के जो चीजें खिलाते हैं आप, उसको कम कर दें, उससे भी काफी बच्चे बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और अगर बच्चे को ज्यादा दिक्कत है तो आजकल ये फैसिलिटीज मिलती है शैडो टीचर टीचर रखने की, तो स्कूल में ये प्रोवाइड किया जा सकता है। जब आप ये टेस्ट रिपोर्ट लेकर के अपने स्कूल में जाएंगे तो ये प्रोवाइड किया जा सकता है। और सबसे बेस्ट जो इसका ट्रीटमेंट ये भी है कि पेरेंटल काउंसलिंग करते रहें, क्योंकि पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ADHD क्या है, इस बच्चे की देखरेख कैसे करनी चाहिए, क्या रेनफोर्समेंट देना चाहिए, इस पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इनकी एनर्जी को किस तरीके से कम करना चाहिए,
ये सारी जानकारी आपको एक साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे तरीके से देगा। याद रखिए एडीएसडी एक बीमारी है और बीमारी का हमेशा ट्रीटमेंट लिया जाता है। सो इसका ट्रीटमेंट ले, ये मत सोचिए कि हम कुछ भी करके ये ठीक हो जाएगा या अपने आप से ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एडल्ट एडीएसडी में जाता है और कई बार जब बच्चा इस तरीके की शरारती कर रहा होता है, अत्यधिक शरारते कर रहा होता है, तोड़ फोड़ मचाना, ध्यान ना देना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, तो कई बार अनजाने में ही सही पेरेंट्स खुद उसके पेरेंट्स टीचर या आस पड़ोस के लोग साइकोलॉजिकल प्रेशर देते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं, तो ये बच्चा महसूस अच्छे तरीके से कर सकता है हर एक इमोशंस को। तो बच्चा कई बार साइकोलॉजिकल पेशेंट बनने लग जाता है, जैसे डिप्रेसिव हो सकता है या अदर बीमारियां भी होने लग जाती हैं, तो इसका आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसके अलावा एडीएसडी के साथ कई बार कॉम्बिनेशन के साथ भी ये बीमारी आती है, जैसे कि एडीएसडी प्लस ऑटिज्म, ऑटिज्म के साथ भी आती है। ऑटिज्म ही एक बीमारी है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी। ऑटिज्म है, आईक्यू कम या ज्यादा हो सकती है, जिसकी जांच करा लेनी चाहिए एडीएसडी के साथ साथ, लेकिन ज्यादातर एडीएसडी बच्चों की आईक्यू अच्छी होती है, सो डोंट वरी। एडीएसडी के साथ कभी कभी लर्निंग डिसेबिलिटी भी आती है या डिसलेक्सिया जिसे कहते हैं वो आ सकती है। तो बच्चा जो कुछ भी कर रहा है जानबूझ के नहीं कर रहा है और ज्यादा पनिशमेंट देने से, डांटने से उसके अंदर अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है, जैसे सीओडी यानी कंडक्ट पोजिशनल डिसऑर्डर यानी अत्यधिक गुस्से वाला, और लॉन्ग टाइम तक चलेगा तो यही चीज आगे चलकर एंटी सोशल पर्सनैलिटी भी बन सकती है। सो बी अवेयर, आपको तुरंत किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डायग्नोज कराना चाहिए। सो बाय बाय, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान दें, क्योंकि इरा मनोरोग निदान का कहना है कि मनोरोग से मुक्ति यही खुशहाल जीवन की शक्ति। सो बाय बाय।